ये देखो किस तरीके से मेरी वीडियो का जो है बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, और कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है भाई, पीछे एकदम ओरिजिनल बैकग्राउंड है। आप लोग भी ऐसे ही एडिटिंग से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, एकदम स्मूथ होगा, कोई ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं। अगर आपके पास एक अच्छा यूट्यूब सेटअप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडिटिंग से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करो, एकदम प्रोफेशनल बैकग्राउंड लगाओ। सब कुछ आपको बताऊंगा, बट थोड़ा बैठ के आराम से बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी हमारे पास ये एक हमारा ब्लैंक वीडियो है, बेसिकली हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है, ये एक ओरिजिनल वीडियो है। ये मैंने शूट किया है बस और पड़ा है मेरे फोन में, और इस वीडियो का मैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाने वाला हूं, और देखना आप लोग कितना स्मूथ बैकग्राउंड रिमूव होगा और किस तरीके से होगा, सब कुछ आपको बताऊंगा यार। बट गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एक नहीं आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। लाइक सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, VN एप्लीकेशन, ठीक है। VN हमारा हो गया, ये तो आपको प्ले स्टोर आपके ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा कैपकट। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कैपकट एप्लीकेशन आ जाएगी, और आपको एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी होगी। लाइक आप लोग कोई भी फ्री वाला VPN यूज कर सकते हो, बहुत सारे मिल जाते हैं, मैंने भी फ्री वाला किया हुआ है, VPN सुपर कुछ करके है, मैं इसका भी दिखा दूंगा आपको एक बार। अब पूरा प्रोसेस आपको बताता हूं किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव होना है, ध्यान से देख लेना बस। आपको जो है अपने VN एप्लीकेशन में जाना है सबसे पहले, लाइक VN एप्लीकेशन में जाता हूं मैं, एंड यहां पे आपको प्लस वाला निशान मिलता है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एंड वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, लाइक मैं इस सॉरी बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, लाइक मैं इस वीडियो का करना चाहता हूं। एंड गाइस जैसे ही ये वीडियो आपकी VN में आ जाती है तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है फुल MBPS के साथ, ये 200 MB की वीडियो हो चुकी है। अब इससे क्या होगा गाइस, इससे आपकी वीडियो का फ्रेम रेट बढ़ जाएगा, और आपकी वीडियो के बैकग्राउंड जो रिमूव जो चेंज करोगे ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ होगा। आप लोग देखना, ये काम आपको जरूर से करना है, VN में डालना है और उसको ज्यादा MBPS में जो एक्सपोर्ट करना है। लाइक ये एक्सपोर्ट हो रहा है, अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। हमको क्या करना है, सबसे पहले VPN को एक्टिवेट करना होगा। मैंने आप लोग को बोला था कोई भी एक VPN डाउनलोड कर लेना, लाइक मैंने फ्री वाला VPN डाउनलोड किया हुआ है, VPN सुपर अनलिमिटेड प्रॉक्सी करके कुछ है, एंड्रॉइड में शायद ना मिले, एंड्रॉइड में कोई और सा मिल जाए आपको फ्री में, बट मिल जरूर जाएगा। फ्री वाला कर लेना यार, बहुत सारे आते हैं। यहां से VPN को कनेक्ट करना है, VPN कनेक्ट होने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन में आना है, VPN आपको जरूर से लगाना है, बिना VPN के आपकी एप्लीकेशन ये चल नहीं पाएगी कैपकट, क्योंकि एप्लीकेशन इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई। लाइक आप लोग देख सकते हो हमारा कैपकट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, एंड मेरी यहाँ पे दो वीडियो पेंडिंग पड़ी है, मैं एडिटिंग करता रहता हूँ, बहुत तगड़ी एप्लीकेशन है, बहुत सही एडिटिंग होती है। अब गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा, लाइक सबसे पहले हमको कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करना होगा। मैं अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीडियो बैकग्राउंड, इमेज वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, एंड कोई भी बैकग्राउंड जो है चूज कर लेता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप अच्छा सा बैकग्राउंड चूज करना जिससे आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगे। लाइक मैं यहाँ पे ये ब्लरी सा कुछ बैकग्राउंड है मेरे पास, मैं इसको सेव करता हूँ, एंड कोई एक और ले लेता हूँ, लाइक ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेव फोटोज किया, अब वापस से कैपकट एप्लीकेशन में आना है, एंड यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फोटोज में जाना है, एंड अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, वीडियो बाद में सेलेक्ट होगी। लाइक बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं वाटरमार्क को उसको डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक एंड उसके बाद गाइस अब हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो चुका है। आपको बैकग्राउंड पे वापस से क्लिक करना है, यहाँ पे इसको क्रॉप करना है सबसे पहले, जो हमारी वीडियो का साइज है, क्योंकि ये बैकग्राउंड बहुत अजीब सा लग रहा है, ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो इसको यहाँ पे मैं क्रॉप करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, क्रॉप में जाता हूँ, एंड 16:9 पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो का साइज होता है, इसको मैं जो है डन कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो गाइज, ये हमारा जो हमने बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, ये हमारा यूट्यूब वीडियो वाला साइज हो चुका है, बट अभी भी ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे रेशो, आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे भी देखो यूट्यूब का लोगो भी आ रहा है, 16:9 पे क्लिक करना है, यहाँ पे डन कर देना, देखो अभी फिट हो गया बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे अपनी वीडियो को ऐड करना होगा, जिस वीडियो को आप बैकग्राउंड जो चेंज करना चाहते हो। लाइक आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ओवरले, आपको उस पर क्लिक करना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वीडियो वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, ये आ गई हमारी वीडियो। यहाँ पे आपको वो वीडियो को सिलेक्ट करना है जो वीडियो आपने VN एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट की थी, क्योंकि गाइस VN एप्लीकेशन जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसमें हमारी वीडियो का FPS बढ़ा दिया गया था, जिससे अब हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे ना तो वीडियो यार स्मूथ लगेगा, थोड़ा फर्क तो दिखेगा आपको 100%। अब आपको वीडियो को अपना कुछ तरीके से फिट करना है, नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कटआउट का, आपको उस पर क्लिक करना है, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पे कुछ लोडिंग वगैरह चलती रहेगी तो आपका वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और बहुत स्पीड से होता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, और ये सब देख सकते हो आप लोग गाइस बिना ग्रीन स्क्रीन के हो रहा है। समझ रहे हो, ग्रीन स्क्रीन में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है भाई, अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड रिमूव करो यार, वीडियोस बनाओ, अच्छे सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई भी फोटो डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, उसको अपना वीडियो का बैकग्राउंड बना लो। मैं पहले ऐसा करता था, बहुत किया मैंने शॉर्ट्स में, लाइक अभी देख सकते हो आप लोग 82% हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट का तरीका बताऊंगा, आप लोग आसानी से एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, अच्छे से अगर एक्सपोर्ट करना है हाई FPS में तो वो चीज भी देख लेना। बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया गाइस, देख सकते हो आप लोग कितना स्मूथ लग रहा है, थोड़ा सा हमारे हेयर वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक पीला पीला पीछे दिख रहा है, वो मैंने आप लोग को पहले ही बोला था। आपको क्या ध्यान रखना है, लाइक
आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपके पीछे एक एक प्लेन दीवार होनी चाहिए, समझ रहे हो बात को? लाइक ये नहीं कि देखो इस वीडियो में जो मेरी ओरिजिनल वीडियो थी ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल वीडियो थी, इसमें पीछे प्ले बटन रखा हुआ है भाई, मोबाइल के बॉक्सेस रखे हुए हैं, कॉर्नर भी आ रहा है, कंप्यूटर भी रखा हुआ है। तो आप कोशिश करो आप प्लेन दीवार के सामने वीडियो बनाओ तो आपका बैकग्राउंड एकदम परफेक्टली कट होगा और परफेक्टली आप अपना बैकग्राउंड जो है चेंज कर पाओगे। लाइक हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करना है? आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता है 180p का, आप क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 4K पे कर देना है इसको, फ्रेम रेट को आपको 60 रखना है। फ्रेम रेट वीडियो में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसको जितना हाई हो सके उतना हाई रखो। एंड MBPS कोर रेट को इसको भी आपको हाई कर देना है, स्मार्ट HDR को ऑन रखना है, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देना है। वैसे और भी एडिटिंग आप लोग इसमें कर सकते हो, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, लाइक बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं इसमें, बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिख सकते हो, बहुत सारे एडिटिंग कर सकते हो भाई। प्रोफेशनल एडिटर्स जो होते हैं ना, जो फोन से एडिटिंग करते हैं, वो यही एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो इसमें यही नहीं कि सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है, इस एप्लीकेशन में आप बहुत एडिटिंग कर सकते हो। तो अपनी पूरी एडिटिंग करने के बाद अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके ऊपर और भी वीडियोज बनाऊँ, इसमें एडिटिंग के ऊपर, कैपकट एप्लीकेशन के ऊपर और भी वीडियोज बनाऊँ, तो कमेंट में बोल दो यार, मैं लेके आ जाऊंगा, बहुत सारी मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के बाद गाइज जैसे आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दोगे, एक्सपोर्ट भी इसमें बहुत बहुत स्पीड से होता है, कितनी बड़ी वीडियो चाहिए आपकी। अभी देख सकते हो आप लोग गाइज यहाँ पे हमने वीडियो प्ले किया और ये देखो भाई कितना मतलब सही हमारा बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। अगर पीछे का मेरा जो है बैकग्राउंड प्लेन होता ना तो भाई इतना स्मूथ होता है बैकग्राउंड रिमूव। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ पीछे का बैकग्राउंड आप लोग बस प्लेन रखना। ओके तो यार आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव हो। गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियोज एडिटिंग से रिलेटेड और वीडियोज चाहते हो कमेंट में बोलो।